की 31वीं बैठक को संबोधित करने का अनुरोध करूंगा। राज्यों के सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, नेवी और आर्मी के चीफ्स, सेक्रेटरी ईएसडब्ल्यू, सेंटर और स्टेट्स के सारे सीनियर ऑफिशियल्स, सबसे पहले इस बैठक में मेरी तरफ से भी आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जैसा कि अभी भी आपको बताया गया है कि हम सभी यक्ष सर्विसमैन के इंटरेस्ट से जुड़े मुद्दों पर बातचीत करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। वैसे तो हम सभी किसी न किसी फोरम पर मिलते रहते हैं, हमारी बातचीत भी होती रहती है और हमारे यक्ष सर्विसमैन के वेलफेयर से जुड़े भी काम होते हैं, वे भी सुचारू रूप से चलते ही रहते हैं। पर फॉर्मली इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना हमारे यक्ष सर्विसमैन और उनके परिजनों के वेलफेयर और वेलबींग के प्रति हम सबके विशेष कंसर्न को यह दिखाता है। इस तरह के हमारे सम्मिलित प्रयासों से उन वीरों के अंदर अपने और अपने परिजनों के भविष्य के प्रति सुरक्षा की भावना भी पैदा होती है, जो वीर इस देश की सुरक्षा करते हैं। साथियों, किसी भी राष्ट्र के लिए सेनाओं का क्या महत्व होता है, इस पर अधिक बात करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता हूं। खासकर हमारे देश भारत के संदर्भ में कहूं तो हमारी सेनाएं केवल बॉर्डर सिक्योरिटी के दृष्टि से ही नहीं, बल्कि उससे अलग भी जब कभी कोई जरूरत होती है तो वे हमेशा पूरी तत्परता के साथ खड़ी मिलती हैं। कहीं बाढ़ आ जाए, तूफान आ जाए, या कोई लैंडस्लाइड हो, या इस तरह की कोई भी नेचुरल कैलमिटीज हो, उस सूरत में भी हमारी सेनाएं अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान अपनी कमिटमेंट के कारण देश टू देश, देश के बाहर भी जाने जाते हैं और आज हमारी सेनाएं फर्म कमिटमेंट और डिसिप्लिन का एक बड़ा पर्याय बन चुकी हैं, इसलिए हमारी सेनाओं की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। इसी प्रकार हमारे वेटरन्स भी फॉर्मली भले ही सर्विसेज से एग्जिट हो गए हों, पर उनकी देशभक्ति में, उनके जज्बे में और देश सेवा के उनके कमिटमेंट में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई कमी दिखाई नहीं देती है। जब भी देश को जरूरत होती है बराबर वह अपना योगदान देते हैं। और आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा देश कोविड के संकट से गुजर रहा था तो सेनाएं तो देश विदेश में सहायता के लिए जुटी ही थीं। राज्य सैनिक बोर्ड से हमारे वेटरन्स भी बड़ी संख्या में दवाइयों, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन और अन्य प्रकार की राहत सामग्री के साथ देश के कोने कोने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वे निर्वाह कर रहे थे। यह कोई छोटी बात नहीं थी और मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मुझे इसके बारे में जानकारी दी गई थी। और इसी तरह के कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जहां हमारे वेटरन्स राष्ट्र की सेवा में सदैव व तत्पर दिखाई देते हैं। इन सभी को मैं हमेशा ही नेशनल एसेट के रूप में मानता हूं और देश को अपने एसेट्स पर गर्व है। इन सभी वीरों और उनके परिवार की देखभाल और रीसेटलमेंट को इंश्योर करना यह हमारी एक नेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, जिससे ये सभी एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें और हमारी सरकार इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड है। साथियों, हमारे देश में अनेक प्रकार के प्रोफेशनल्स होते हैं। सभी अपने अपने अनुरूप और अपनी क्षमता के अनुसार राष्ट्र की सेवा करते हैं। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, टीचर्स हैं और सभी राष्ट्र की प्रगति में अपना अपना योगदान करते ही हैं। पर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि इस देश में कितने ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें यक्ष प्रोफेशनल्स के वेलफेयर के लिए एक पूरा विभाग ही बनाया गया, जबकि हमारे वेटरन्स बंधुओं के वेलफेयर के लिए रक्षा मंत्रालय में बाकायदा एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे वेटरन्स के प्रति राष्ट्र की जिम्मेदारी क्या है और राष्ट्र की प्रायोरिटी क्या है, उनके प्रति हमारी चिंता क्या है और वेटरन्स हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। और यह देश हमारे सैनिकों और वेटरन्स के प्रति बड़ी कृतज्ञता और सम्मान का भाव भी रखता है। हम सबके लिए यह खुशी की बात है कि हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने हमेशा मिलकर काम किया है और यह विषय उन विषयों में से एक है जिसमें दोनों सरकारें बढ़ चढ़कर अपना योगदान देती रही हैं। कभी भी हमें यह सुनने को नहीं मिला है जब
राज्य सरकारें यह कहें कि यह सब्जेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है और इसलिए सैनिकों के कल्याण का मुद्दा केंद्र का मुद्दा है, अथवा केंद्र बोले कि सभी राज्य अपने अपने सैनिकों के बारे में चिंता करेंगे, यह कोई एक दूसरे को कभी नहीं कहता है। हमेशा से ही दोनों ने सैनिकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है और उनके प्रति अपने कर्तव्य का सुचारू रूप से निर्वहन भी किया है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा किए जा रहे वेलफेयर वर्क्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक जीता जाता यह उदाहरण है। साथियों, मैं राजनीतिक पार्टियों के बारे में कहना चाहूंगा, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी विचारधारा से ऊपर उठकर हमारी सेनाओं के कल्याण, उनकी सुख सुविधाओं और उनके गरिमामय जीवन जीने के प्रयासों का बराबर समर्थन करती रही हैं। मैं यह नहीं कहता कि सारी राजनीतिक पार्टियां इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती हैं, गवर्नमेंट में रहती हैं, निर्वाह भी करती हैं, लेकिन वह इस प्रकार के जो भी इफर्ट्स गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं उसकी सभी के द्वारा प्रशंसा की जाती है, उसका समर्थन किया जाता है और ऐसा करना उचित भी है, क्योंकि जब हमारी सेनाएं सीमा पर खड़ी होकर सुरक्षा का कार्य करती हैं तो उस समय वह किसी एक खास राज्य या किसी खास पार्टी या देश के किसी खास समुदाय की सुरक्षा नहीं कर रही होती हैं। और ऐसे में जब हमारे सैनिक सर्विसेज से एग्जिट होकर सोसाइटी में वह वापस आते हैं तो उनका गरिमामय जीवन इंश्योर करना निश्चित रूप से हम सबकी एक ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। साथियों, आप सभी अवगत होंगे कि हमारी सेनाओं को युवा बनाए रखने की आवश्यकता के मद्देनजर हमारे सैनिकों की बड़ी संख्या को 35 से 40 ईयर्स की उम्र में ससम्मान सेवा मुक्त कर दिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि लगभग 60,000 सैनिक हर साल मौजूदा 34 लाख एक्स सर्विसमैन की संख्या में जुड़ते रहते हैं। प्रतिवर्ष 60,000 एक्स सर्विसमैन के रूप में जुड़ते हैं। इसलिए इन पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों की देखभाल करना यह हम सबका एक बड़ा दायित्व है। एक्स सर्विसमैन अपने काम में दक्ष होने के साथ साथ ईमानदार और अनुशासन में रहते हुए देश और समाज के लिए वो बराबर कार्य करते हैं। सभी राज्यों में पूर्व सैनिकों के लिए नौकरियों में रिजर्वेशन है, परंतु इनका पूरी तरह से पालन कराना और उसकी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, ऐसा मैं मानता हूं। और हम सभी को पता है कि सरकारी नौकरियों की भी एक अपनी सीमा है, इसलिए हमें इन सैनिकों के रीसेटलमेंट के लिए नई योजनाएं और नौकरियों के लिए दूसरी जगहों पर भी प्रयास करने पड़ते हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि कुछ राज्यों ने नए इनिशिएटिव्स लेकर यंग सर्विसमैन के लिए नई नौकरियों का इंतजाम किया है, हालांकि इसमें अभी बहुत कुछ आगे भी करने की जरूरत है। साथियों, राज्यों में सैनिक कल्याण और कल्याणकारी स्कीम्स का संचालन राज्य सैनिक बोर्ड व जिला स्तर पर जिला सैनिक बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में देशभर में सैनिकों के कल्याण के लिए 34 राज्य सैनिक बोर्ड कार्यालय व 409 जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय इस समय कार्यरत हैं। और मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे सामूहिक और निरंतर प्रयासों से केंद्रीय यह सैनिक बोर्ड इस सभी कल्याणकारी स्कीम्स के अंतर्गत पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में 3.16 लाख बेनिफिशरीज को लगभग 800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है और गत वित्तीय सहायता वर्ष में 1 लाख लाभार्थियों को लगभग 242 करोड़ रुपए ये वितरित भी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त पैरा प्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर किरकी और मोहाली, चेशायर होम तथा देहरादून, लखनऊ और दिल्ली सहित देश भर के 36 वार मेमोरियल हॉस्पिटल्स के संस्थागत अनुदान भी दिया गया है। साथियों, पूर्व सैनिकों के लिए हमारी स्वास्थ्य योजना ECHS का तेजी से विस्तार हुआ है और आज पूरे भारत में 30 रीजनल सेंटर और 427 पॉलीक्लिनिक्स हैं और इनसे जुड़े लाभार्थियों की संख्या भी लगभग 55 लाख है। और यह सब इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि सरकार हमारे सैनिकों के कल्याण के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ ये जुटी हुई है। हमारे सैनिकों और वेटरन्स के वेलफेयर के लिए जितना बजट मांगा जाता है उतना बजट प्रदान होता है, यह
उनके कल्याण के प्रति हमारी निष्ठा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आज मैं बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूं कि एक आध स्कीम्स को छोड़कर हमारी किसी भी स्कीम्स में पेंडेंसी नहीं बची है, किसी भी स्कीम्स में पेंडेंसी नहीं बची है। और हमारी पूरी कोशिश है कि स्पेशल आउटरीच अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत एक सर्विसमैन फ्रेटर्निटी को हमारी स्कीम से जोड़ा जाए और सभी स्कीम्स में अप्लाई करने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक की कार्यवाही पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो। कारपोरेट, खेल, सिनेमा से जुड़े लोग और आमजन हमारे प्रयास से जुड़े, इसके लिए भी अनेक स्पेशल प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। कहने का अर्थ, हम वे सभी प्रयास कर रहे हैं जो हमारे यंग सर्विसमैन और वेटरन के वेलफेयर के लिए महत्व रखते हैं। और मैं आज के एजेंडा पॉइंट्स देख रहा था, इनमें लगभग सभी पॉइंट्स हमारे सैनिकों और वेटरन्स की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मैं समझता हूं कि इस अवसर पर इससे ज्यादा कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग यहीं पर एजेंडा के अनुसार अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद। चलिए, पहला एजेंडा आइटम वेटरन्स डे सेलिब्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जनवरी को आर्म फोर्सेस वेटरन डे 2016 से मनाया जा रहा है। इस दिन भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा अपनी सर्विस से 1953 में रिटायर हुए थे। दिस डे इज टू कमेमोरेट द वैलर एंड सेक्रीफाइस ऑफ आर्म फोर्सेस वेटरन्स। इस साल 14 जनवरी 2023